गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल जिसका नाम है सुपर स्टाइलिश नम्रता। आप सब लोगों को पता ही है मेरे चैनल का नाम। पसंद है ये चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो मैं बनाती हूँ वीडियो, आई मीन शॉपिंग टूर्स, मतलब शॉपिंग रिलेटेड, और मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आया है वो दिखाती हूँ, क्या प्राइजेज हैं उनके, व्लॉग्स भी बना देती हूँ, कुकिंग रिलेटेड वीडियोज़ भी आती हैं इस पर। तो आपको इन्फॉर्मेटिव ही चैनल है और घर की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक गिव अवे के बारे में। एक ऑलरेडी मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा था, तो वो है ये, चल रहा था आई मीन अभी तक चल रहा है, और उसमें आपको मिलेगा ये मेंस्ट्रुअल कप। रूल्स हैं उसके ऊपर आई लिंक पे क्लिक कीजिए, वो वीडियो आ जाएगी। एक आपको छोटी सी वीडियो बना के भेजनी है जिसमें अगर आपके साथ पैड यूज़ करते थे या करते हैं तो कोई मिसहैप हुई है, ब्लीडिंग हो गई है, कहीं पहुंच नहीं पाए उस जगह, कहीं और ही उतर गए और क्योंकि ब्लीडिंग हो गई तो सारा स्टेन हो गया, तो ऐसी वीडियो शेयर कीजिए मेरे साथ। nomonomo1287@gmail.com ये है मेरी ईमेल आईडी। अभी बात करते हैं सेकंड गिव अवे का, और ये गिव अवे मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है फिक्स योर पीरियड कैंपेन। तो मैं चाहती हूँ जीरो वेस्ट पीरियड्स रहें हर किसी के, मतलब आप कोई भी वेस्ट नेचर में नहीं डालें, मतलब पैड से एक माना जाता है सिंगल पैड को 150 साल लग जाते हैं सिंगल पैड को पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ होने में। फिर भी मेरे को लगता है पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं होता होगा क्योंकि प्लास्टिक तो कुछ ना कुछ फॉर्म में छूट ही जाता है, तो उससे क्या होता है अपनी सॉइल की फर्टिलिटी भी लूज होती है, ऐसे केमिकल्स होते हैं पैड्स में, तो उससे आपको कई डिजीजेस भी आ जाते हैं खाने के रूप में, आपकी फसलें वहीं उगती हैं क्योंकि। तो इस कैंपेन में मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो मैंने आपको कहा था मैं एक और गिव अवे लेके आऊँगी, तो सेकंड गिव अवे है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं एक लाइव वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, एक या दो लाइव वीडियो में, तो आज मैं इसके रूल्स भी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो ये है फर्स्ट प्रोडक्ट, ये क्या है, इंटीमेट वाइप्स हैं, ऐसे सिंगल में रहेंगी वाइप्स, जैसे कैसे होते हैं एक पैक होता है उसको ऊपर से खोलते हैं टेप को और निकालते हैं, तो उससे क्या होता है वो जल्दी उनका मॉइस्चर भी उड़ जाता है, कई बार ख़राब हो जाते हैं, तो ये सिंगल सिंगल है तो बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली पैक्स हैं ये। तो बाहर अगर आपको वाइप्स यूज़ करने हैं जब आप कहीं ट्रैवल पे हैं या कहीं भी इधर उधर जा रहे हैं तो ये आपके लिए सही चीज़ लगेगी ट्रैवल के टाइम। और इसमें 15 रैप्ड वाइप्स है, इंडिविजुअली रैप्ड वाइप्स, तो ये मैंने दो मंगाए हैं गिव अवे के लिए, दो लोगों को मिलेंगे ये। देन नेक्स्ट है इंटीमेट वॉश, इंटीमेट वॉश मैं भी यूज़ कर रही हूँ और ये 100% नेचुरल एक्टिव्स हैं, इसमें सोप SLS एंड SLES फ्री है और एक्स्ट्रा माइल्ड फॉर ऑल स्किन टाइप है। ये क्या होता है, नीचे वजाइनल एरिया को क्लीन करने के लिए इंटीमेट वॉश या ऐसे सोप यूज़ करने चाहिए जिसमें कोई स्मेल ना हो, फ्रेग्रेंस ना हो, तो ये है इंटीमेट वॉश, क्योंकि ये pH लेवल आपका उस एरिया का बैलेंस करके रखता है। कोई सोप वगैरह नहीं यूज़ करने चाहिए फ्रेग्रेंस वाले जो आप बॉडी पे यूज़ करते हैं, नेवर से नो टू डैट थिंग। तो ये लेकर आई हूँ, इसको दिखा भी देती हूँ कैसा दिखता है, ये मैं भी यूज़ करती हूँ, मुझे पसंद आया है, ये आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है, तो नेचुरल ही है, एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके मोस्ट नेचुरल हैं। और थर्ड, ये भी दो हैं, ये भी दो लोगों को मिलने वाले हैं, और थर्ड प्रोडक्ट है अगर आप हेयर रिमूवर क्रीम यूज़ करते हैं तो वो है, ज़्यादा मैं ये चीज़ें यूज़ नहीं करती बट कई बार इमरजेंसी होती है तो आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें नेचुरल कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है, तो दो ये भी हैं। इसका प्राइस है 180 रुपीज़ इंटीमेट वॉश का, इंटीमेट वाइप्स का प्राइस है 149 रुपीज़, और जो ये हेयर रिमूवर क्रीम है इसका प्राइस है 149। तो अच्छे खासी अमाउंट के प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, तीन लोगों को दो दो प्रोडक्ट करके मैं भेज दूंगी आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। तो इसके रूल्स की बात कर लेते हैं हम, गिव अवे रूल्स की, तो क्या हैं गिव अवे रूल्स, तो आपको शेयर करने हैं बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन, मतलब जो भी आपकी क्वेरी है मेंस्ट्रुअल कप के रिलेटेड कि अंदर लगाते हैं, कुछ लोगों की आई थी तो कोई जख्म तो नहीं होता, मुझे पसंद आया था वो क्वेश्चन,
और लीकेज तो नहीं होती, कौन सा यूज़ करना है, किस साइज़ का यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दर्द तो नहीं होती इसको लगाते हैं तो आपका भी जो भी अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लगेगा मेरे को, उनको ये सब मिलेंगे गिफ्ट्स मेरी तरफ से। तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पूछिए। मैंने ये सिंपल इसलिए बना दिया गिव अवे के रूल्स, क्योंकि मोस्टली लोग मैंने देखा फर्स्ट गिव अवे में कंफर्टेबल नहीं है वीडियो शेयर करने में, तो इसलिए मैंने सिंपल बना दिए हैं आपके लिए ये रूल्स। और एक और चीज़, प्लस पॉइंट उनको जल्दी मिल सकता है, वो लोग विन कर सकते हैं जो लोग वीडियो भी शेयर कर देंगे अगर, तो उनको चांसेस है ज़्यादा विन करने के। तो अगर किसी ने शेयर नहीं की वीडियो, मिसहैप हुआ है उनके साथ पैड यूज़ करते हुए, ब्लीडिंग होगी, ऐसी कोई स्टोरी, स्पेशल स्टोरी शेयर कर दी अगर आपने, तो आपके चांसेस है इसको विन करने के ज़्यादा। और नहीं कर पाए तो जिसके क्वेश्चन अच्छे रहेंगे उसको मिलेगा। तो देखते हैं किसको मिलते हैं ये प्रोडक्ट्स। जितने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं उतना बढ़िया है, जितने पूछ सकते हैं आप। तो ये थे इस गिव अवे के रूल, और आपको मैं सब कुछ बता चुकी हूँ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में ऑलरेडी। अभी एक वीडियो मेरी आने वाली है जिसमें आपको बताऊंगी मैं स्टरलाइज कैसे करते हैं इसको और कैसे इसको क्लीन करते हैं। 3 to 4 वेज हैं, वो सारा बताऊंगी। और ये साइजेस आपको अभी भी दिखा देती हूँ, ये है स्मॉल साइज और ये है लार्ज साइज। देखने में ज़्यादा फर्क नहीं लगता, बट फर्क है क्योंकि ये थोड़ा सा नैरो है और ये थोड़ा सा वाइड है। अनमैरिड गर्ल्स होती हैं वो यूज़ कर सकती हैं ये छोटे वाला, और जो 30+ होती हैं, मैरिड होती हैं और जिन्होंने बेबी डिलीवर कर दिया होता है थ्रू नेचुरल प्रोसेस, नॉर्मल डिलीवरी जिनकी होती है, वो बड़ा यूज़ करें, माना जाता है उनका ज़्यादा फ्लो होता है। और एक और पॉइंट है कि फ्लो जिनका ज़्यादा होता है वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, उनको तो लार्ज ही लेना पड़ेगा चाहे वो अनमैरिड हो या कोई भी हो, फ्लो पे भी डिपेंड करेगा। तो एक फोल्डिंग के 7 तरीके होते हैं इसके, बट आपको जो बेटर लगेगा वो भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी कि किस तरह से इसको फोल्ड कर सकते हैं। 7 मिनिमम तरीके हैं, मैं तो इस टाइप से करती हूँ और एक इस टाइप का भी है। तो मैं सी शेप वाला, मेरे को कंफर्टेबल लगता है और ये भी सही है, इजी सा है ऐसे वाला भी। इसमें सिर्फ आपको इसको अंदर घुसाना है और हो गया, आगे से अंदर घुसाना है, देन निकालिए उंगली, हो गया। तो ऐसे 7 तरीके हैं, आपको वो भी बता दूंगी एक वीडियो में, जल्दी लेके आऊँगी क्योंकि 22 अगस्त तक है कैंपेन। उसके बाद मतलब उसके बाद भी मैं निकाल सकती हूँ, बट कैंपेन में ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी कैंपेन पीरियड में ये वीडियोस। फिक्स योर पीरियड कैंपेन है ये एवरटीन ब्रांड की तरफ से, तो ये काफ़ी अच्छा कैंपेन है क्योंकि मदर अर्थ हमारी सेफ होगी इसको यूज़ करके, क्योंकि इससे होगा 0 वेस्ट पीरियड्स आपके, टेंशन फ्री पीरियड्स होंगे, ट्रैश फ्री, कैश फ्री और रैश फ्री। रैश फ्री कैसे, पैड्स यूज़ करते होंगे आप, तो कितने रैशेज हो जाते हैं, कई कुछ लोगों को पैड्स हार्ड होते हैं, बड़े सॉफ्ट वाले भी यूज़ करते हैं तो लीकेज की प्रॉब्लम होती है सॉफ्ट वालों में, क्योंकि कई बार क्या होता है ऊपर कैपिलरी एक्शन कम होता है, ऊपर ऊपर ही ब्लड रहने लग पड़ता है। और ट्रैश फ्री इसलिए क्योंकि 0 वेस्ट पीरियड होता है, इसी में ब्लड रहता है, डिस्पोज ऑफ करना है अपनी फ्लश में, कोई पैड्स वगैरह डस्टबिन में डालने का और नेचर में डिस्पोज ऑफ करने का टेंशन नहीं। और कैश फ्री इसलिए क्योंकि एक बार खरीदना है इसको और ये चलेगा कितने, 10 लॉन्ग ईयर्स इट विल वर्क फॉर यू। और 2 बार इसको दिन में चेंज करना है सिर्फ, क्योंकि 12 आवर्स की लॉन्ग प्रोटेक्शन देता है, मैं भी 2 बार ही चेंज करती हूँ। 12 आवर्स के बाद भी अगर मैं बड़ा वाला भी यूज़ कर रही हूँ और वो भी मेजर फ्लो डेज में, जैसे सेकेंड डे में, तो भी मेरा आधा फील होता है। मतलब आपको फ्लो के बारे में मैंने बता दिया, हर किसी का सेम नहीं होता, बट इतनी कैपेसिटी है इसकी। सो ये था एक सेकेंड गिव अवे वीडियो आप प्यारे प्यारे लोगों के लिए। अगर आपको चाहिए ये गिफ्ट्स, शेयर कीजिए प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस, बहुत ही इजी गिव अवे रूल्स हैं, इतने इजी गिव अवे रूल्स होते नहीं वैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।